तो यहाँ पे हमने लगा लिया आई मेकअप, कर लिया लाइनर, लगा लिया। मम्मी को आंटी रेडी कर रही है। इधर जी होने वाली है दुल्हे राजा की एंट्री, और दुल्हे राजा जो है एंटर कर चुके हैं। हम अच्छा वहाँ से जो कपड़ा आया है, वहाँ से कपड़ा जो आया ना पहन के फिर जाएंगे बैठने। तो दुल्हे राजा को तैयार करके अब भेजा जा रहा है सब दूसरी रस्म के लिए। तो सभी लोग का जो है अब यहाँ खाना पीना सब शुरू हो गया। सभी लोग आ जाएंगे लड़की वाले के तरफ से, क्योंकि अब थोड़ी देर में तिलक स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से होते हैं तैयार, मेकअप करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, और वो भी क्रियांश का, हिमालय का। मेकअप करने से पहले हमने कर लिया अपना साड़ी चेंज, तो यही वाला साड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला कि ये साड़ी तुम पहनो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हमने यही साड़ी पहन लिया। और अभी करने वाली हूँ मैं अपना मेकअप। मेकअप तो मुझे उतना आता नहीं है, जितना आता है जैसा मैं करती हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और मम्मी या आंटी को आएंगी तो फिर साड़ी अच्छे से पहन लूँ, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रहा। थोड़ी सी हैवी साड़ी है ना, तो मुझे पिन लगाने में दिक्कत हो रही है। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन। बहुत लोग इससे पहले प्राइमर लगाते हैं, लेकिन ये वाला जो फाउंडेशन है ना, इसमें प्राइमर और फाउंडेशन दोनों एक ही है, तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं फाउंडेशन लगा लिया, और बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, एकदम नेचुरल वाला ग्लो देता है, जो एकदम आपका स्किन है ना उसे थोड़ा सा अलग कर देगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ फेस पाउडर। ज़्यादा कुछ मैं लगाती नहीं हूँ, मैं जो भी लगाऊंगी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ फेस पाउडर, जो कि है मैवलिन फिट मी का, बहुत ही अच्छा है, मेरा तो फेवरेट हो गया ये। और इसके बाद मैं थोड़ा सा आई मेकअप कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा सा बस लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने लगा लिया आई मेकअप, कर लिया लाइनर, लगा लिया, और इधर मम्मी और आंटी दोनों रेडी हो रही हैं। मम्मी को आंटी रेडी कर रही है। आंटी आंटी सबसे पहले रेडी हो गई कि हमको लेट नहीं होना चाहिए। तो जी हम आए हुए हैं अपने भाई की शादी में, और आज जो है तिलक समारोह होने वाला है। तो तिलक चढ़ने से पहले जो है सभी लोग यहाँ पर हो गए तैयार, और मालूम चला है कि जो लड़की पक्ष के सभी लोग हैं सभी लोग आ चुके हैं, और कुछ ही देर में जो है तिलक का जो समारोह भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आपको सब कुछ दिखाते हैं। बाकी आंटी कुछ कहना चाहेगी अपने बेटे को लेकर? अपने बेटे को लेकर के कहना ही चाह रही हूँ, इस बेटा को हम पाले थे, डेढ़ महीना का था तुम, अच्छा। और तुम जब स्टेशन आ गया तुम अपने गाड़ी से लाने के लिए, मान लो हमको गाड़ी है, उसे इतना खुशी नहीं मिला, अच्छा। जितना कि अपना बेटा के गाड़ी से चढ़ के स्टेशन आए हैं, और सोचे हैं बेटा पूरा हम लोग क्या करेंगे, तीर्थ और घुमा देगा शादी के बाद, यहाँ से जाएंगे तो तीर्थ बैरागढ़। चलिए बढ़िया है ना, हम उस बेटा के बारे में कह रहे थे जिसकी जिसका तिलक चढ़ने वाला। अरे वो तो भतीजा है, भतीजा हो गया, भतीजा के ब्याह, वो तो ब्याह है भाई से के भतीजा तक का। सबासीन का कहना है भतीजा नहीं, नाम जितना भले उतना हम लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वही है, वही प्रेम बना रहेगा। आप लोग सोचिए हम कितना खुश है, भतीजा का ब्याह है। और जो अभी आपको वीडियो में दिखे होंगे वहाँ भी इनके भतीजे ही लगे, हमारा भाई ही लगा, और वहाँ जो लड़का है उसी के बड़े भाई है। तो क्रियास चला गया था बाहर अपना घूमने के लिए, दूल्हे राजा है क्या? चलो चलो। इधर जी होने वाली है दुल्हे राजा की एंट्री, और दुल्हे राजा जो है एंटर कर चुके हैं हमारी क्लब में शामिल होने जा रहे हैं। चलिए चलो, ये भी घूम लेगा। जय जितो नहीं नहीं।
गिरता लोका देवत्वम विष्णुना शांति ही शांति ही। ओम गणांसा गणपति वं हवामहे गर्वधम ऐभा आरंभ शुभाय भवन्तु। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति काश्चन कौशुक सुभद्रिकाम कौंपिल वासनी मनु लेख नम गणपति दुर्गा सहिता एक बीत तो पूरा हुआ है। अब उसके बाद वहाँ से जो कपड़ा आया है ना वो पहन के फिर वापस जाएंगे। अच्छा वहाँ से जो कपड़ा आया है वहाँ से कपड़ा जो आया ना पहन के फिर जाएंगे बैठने। अच्छा अच्छा तो फिलहाल तो हम लोग अपना भोजन पानी कर रहे हैं। हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। A few moments later तो दुल्हे राजा को तैयार करके अब भेजा जा रहा है अब दूसरी रस्म के लिए। मंत्रार्था सिद्धा पुरुणा सन्त मनोरथा शत्रुणाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम दीर्घायु भव दीर्घायु भव दीर्घायु भव। अब क्या होगा अब गोसाइन गोर लगता रख देते भाग गए खान पीन भाग गए तिलक चल। अच्छा गोबर के करियो चुमा करे तुम बाले किया कैथी में कर दो किया तो उधर चुमा लीजिए। अब बारी है मम्मी की तो मम्मी जा रही है चुमाने के लिए। मेरे पैर में दर्द है छाती पर चढ़ने से असमर्थ है चढ़ना है मैं चढ़ा दूंगी। ओड़े के चीना
तो चुमाने का जी रस्म हो गया, सभी ने तिलक भी चढ़ा दिया है और अब बारी है सभी गेस्ट को खिलाने की। तो सारा टेबल सब जो है यहाँ लग चुका है और सारे गेस्ट सब जो है यहाँ पर फिलहाल बैठ रहे हैं और हम चलते हैं चल करके क्रियांश को देख लेते हैं। क्रियांश फिलहाल जी यहाँ पर सोया हुआ है, सभी लोग जी यहाँ पहरा में लगे हुए हैं और एक एक करके सभी लोग एक बार जा करके देख लेते हैं कि सच में सोया हुआ है कि नहीं। इसीलिए देख लेते हैं जो पोता हमारा भागने में बहुत तेज है, हम लोग यहाँ देखने में रह जाएंगे, पोता कहाँ हम खोजते फिर उठते ही दौड़ना शुरू कर देगा, गिर जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है जी, तो सभी लोग का जो है अब यहाँ खाना पीना सब शुरू हो गया है। तो क्रियांश यहाँ पर सोया हुआ है, जिया है उसके पहरे में और अपना रील सब डाल रही है। अभी मैंने एक रील डाला, वो तुरंत देख लिया, रात में उतना व्यू नहीं जाता है, अभी तुरंत चला गया। लोगों को बहुत अच्छा लगता है शादी सब का वीडियो से, कल्चर होता है वो देखने रीति रिवाज। इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं शादी का जो यह ब्लॉग है, जो भी हमारे बिहार का रीति रिवाज है, वह सब आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा। हाँ। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।